Can't you see I'm waiting? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, मैं हूं धवल कुमार और आप देखते हैं स्काई गेमर। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले पिंक प्रॉब्लम के बारे में कि पिंक प्रॉब्लम असल में होती क्या है, ये कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है गेम में कि यार पिंक प्रॉब्लम हो रही है, पिंक प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यही है पिंक प्रॉब्लम का इशू। तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो है इसको एंड तक देखना है ताकि आपको पिंक प्रॉब्लम के बारे में पूरा सोल्यूशन मिल पाए। सो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हमारे इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये पिंग प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों, पिंग प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका सामने कोई भी एनिमी आ जाए, यानी कि कोई भी दूसरा बंदा आ जाए और आप उसके सामने MP40 लेके खड़े हो जा और वो भी आपके सामने MP40 लेके खड़ा हो गया, लेकिन आप उसको हेडशॉट दे रहे हो, आपने उसको कितना सारा यहाँ पर डैमेज दिया लेकिन उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो नेटवर्क आपका मिनिमम 700 के 800 या 900 के पार होगा। तो अगर ये 700 800 900 के पार रहता है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पिंग प्रॉब्लम है। तो अब इसको सॉल्यूशन क्या है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है, आपके बैकग्राउंड में जो ऐप चल रही है, यानी कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप चल रही है, अगर आपके बैकग्राउंड में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अगर ये चार ऐप है वो बैकग्राउंड में चल रही है तो फटाफट से यार इसको रिमूव कर दे। बैकग्राउंड में से ये चार ऐप है उसको रिमूव कर दे। बाद में जब आप गेम खेलने आओ, यानी कि जब भी गेम खेलने आओ, तो सिर्फ दोस्तों करना क्या है आपको, आपको यहाँ पर जो चार यहाँ पर मैंने ऐप बताई उसको आपको बैकग्राउंड में से हटा देना। अगर आप उसको बैकग्राउंड में से हटा दोगे तो दोस्तों आपका पिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पिंग नहीं होगा। क्योंकि ये बैकग्राउंड ऐप में अभी ये चारों ऐप चल रही होती है तो उसका अभी ज़्यादातर नेटवर्क वही बैकग्राउंड में यूज़ करती है। तो दोस्तों वही यूज़ करती है तो हमें गेम में इतना अच्छा खासा नेटवर्क नहीं आता और हमारा पिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है, फिर आपको ये चारों ऐप को, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये चारों ऐप को आपको बैकग्राउंड में से हटा देना। दोस्तों अब दूसरा तरीका है, तो दूसरा तरीके को आपको यूज़ करने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को यहाँ पर ऑन करना है। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च क्या करना है दोस्तों, डेटा लीक। यहाँ पर आपको डेटा लीक को सर्च करना है। यहाँ पर दोस्तों ये ऐप है जो गूगल का एक ऐप है। इस ऐप से होता क्या है दोस्तों, आपका जो डेटा है वो सेव होता है। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। मैंने तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी इंस्टॉल करके ही रखा है, तो इसको ओपन करिए। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जो डेटा सेवर ऑन दिखा रहा है वो आपको ऑफ दिखाई देगा, तो आपको उसको ऑन कर देना है। डेटा सेवर को आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ये डेटा सर्वर को ऑन करोगे तो दोस्तों ये आपका VPN कनेक्ट कर देगा। और दोस्तों इस ऐप की मदद से आपको ये भी पता चल सकता है कि हमारा हाई इंटरनेट कौन यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा हाई इंटरनेट इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों इस ऐप की मदद से होता क्या है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो और इसको आपको यूज़ करते हो तो ये आपका VPN ऑन कर देता है। तो VPN अगर ऑन हो जाता है तो VPN क्या करता है, VPN हमारा जो बेस्ट नेटवर्क है वो बेस्ट नेटवर्क यहाँ पर ढूंढता है, और बेस्ट नेटवर्क ढूंढने के बाद यहाँ पर आपको वो कनेक्टेड कर देता है। तो जैसे ही आप बेस्ट नेटवर्क ढूंढ के यह कनेक्टेड करता है ये VPN, तो दोस्तों VPN अगर बेस्ट नेटवर्क ढूंढ के यहाँ पर कनेक्टेड कर देता है तो आपका पिंग प्रॉब्लम झट से निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको ऑन करते ही गेम खेलोगे तो दोस्तों आपका पिंग प्रॉब्लम है वो फट से निकल जाएगा, पिंग प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, आप आसानी से गेम खेल पाओगे, कोई भी पिंग प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। तो दोस्तों ये थी दो तरीके जो पिंग प्रॉब्लम हटा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ में हमारे चैनल पे नया आए हो तो फटाफट से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड, टाटा बाय बाय।